भ्रष्टाचार पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। करीब 6500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में ईडी ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ये संपत्ति नीरव मोदी और उसके ग्रुप की कंपनियों की जमीन, बिल्डिंग और बैंक खातों में मौजूद रकम के रूप में है, जिसे ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस ने अटैच किया है। ईडी ने इस संबंध में एक बयान में बताया कि ये कदम सीबीआई, बीएस एंड एफएस ब्रांच मुंबई की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर उठाया गया है। आपको बता दें कि ये एफआईआर आईपीसी 1860 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इसका संबंध 6498.20 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस से है। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान नीरव मोदी और उसके ग्रुप की कंपनियों की जमीन, बिल्डिंग और बैंक खातों के रूप में नीरव मोदी की करें तो डायमंड किंग के नाम से मशहूर नीरव मोदी का संबंध बेल्जियम के एंटवर्प शहर के मशहूर डायमंड ब्रोकर प्रयास से है। बात अगर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की करें तो उसका नाम डायमंड किंग के नाम से मशहूर है और उसका संबंध बेल्जियम